साइकोलॉजी यहां पर खेला जा रहा है। टीम सोल और टीम गॉडलाइक रुइंस के एरिया पर नजर आने वाले हैं। उतर चुके हैं सारे खिलाड़ी, जिसको पहले वेपन मिला वही यहाँ पर बात चाहिए तो वो हो गया क्लासिक के अंदर सब बूट कैंप पर उतर जाते हैं, वैसे दिक्कतें होती है। बट ओमेगा ने यहाँ पर जोनाथन को डाउन किया, सीधा फिनिश करते नजर आएंगे। गॉडलाइक के जी गॉड को भी स्पॉट किया जा चुका है। इनफैक्ट इस समय गॉडलाइक के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। शैडो हेक्टर को डाउन करेंगे जरूर। सोल को समझ में आ चुका है कि अपना एक खिलाड़ी वो खो चुके हैं। वन वन का डैमेज दोनों को चुका, बट एक ग्रेनेड जो है गॉडलाइक के नियो का सही रहा। उनके पास वेपन की अगर बात करी जाए उससे ज्यादा जरूरी अभी नेट से प्रहार वो कर रहे हैं। अक्षत बिल्कुल बाहर की तरफ, अगला ग्रेनेड उनके लिए खराब हो सकता है लेकिन उतर करके यहाँ पर फाइट ले सकते हैं। बट नियो ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, एक और झटका गॉडलाइक को लगता हुआ और टीम सोल के खिलाड़ी भी तैयार है। हालांकि ओमेगा को रिवाइवल देना अभी भी जरूरी, बट अक्षत 50 गोलियां हेलमेट नहीं, शायद रिवाइवल पर जाएंगे इस समय। बट गॉडलाइक यहां से जाती नजर आ तो नहीं रही है, मतलब फाइट तो अभी भी लेना ही चाहेंगे। लेकिन इसी के बीच में शैडो नीचे की तरफ को उतर चुका है। गेस शैडो के ऊपर आता है पूरा भार फाइट लेने का। गॉब्लिन को स्पॉट किया जा चुका है, बट क्या वो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेयर को स्पॉट किया, वो एक बड़ा सवाल। वहीं पर गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा, एक और खिलाड़ी बीच में आ गए और उनको भी डाउन किया जाएगा। नाउ ओमेगा इज लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द सिचुएशन। ओमेगा ही हैज टू सर्वाइव। 75 एचपी करने की पूरी जद्दोजहद वो कर भी लेंगे, बट शैडो उन्होंने स्पॉट कर लिया है, शॉट देने की कोशिश, और शैडो भी फाइट लेना चाहते हैं। आखिरी खिलाड़ी उनको खत्म करेंगे और शैडो चारों फिनिश गॉडलाइक के शैडो के खाते में। जस्ट सेइंग अ फ्यू थिंग्स बट साइलेंस, ओह दैट्स द लाउडेस्ट एग्जांपल। से ही गिरे हैं, ये तो दिक्कत होती है। लेकिन सोल वर्सेस गॉडलाइक अगेन 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 अगेन, ये बार बार होता है, लगातार होता है। लेकिन अगर गॉडलाइक को नुकसान हुआ तो वो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद कल ही हो पाएगी। टीम गॉडलाइक इस समय जो लीड है वो 17 अंकों की थी। टीम सोल को हम देख पा रहे, ग्रेनेड को किया जा रहा है, ग्रेनेड जी गॉड के लिए खराब हो सकता है लेकिन वो बच गए और गोब्लिन को किया है। टीम सोल कैन नॉट जस्ट अफोर्ड एनी लॉस एट दिस मोमेंट। अक्षत की एचपी देखिए उनकी डाउन हो सकती है, लेकिन पहले वो डाउन करेंगे खिलाड़ी को, वापस से दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, लेकिन देखते देखते टीम सोल इज एलिमिनेटेड। ओ माय गॉड, दे नीडेड दिस गेम, को 17 पॉइंट का एडवांटेज गॉडल के पास है और अब उन्होंने और फिनिशेस लेकर इस एडवांटेज को एक अलग पे देखने को मिल सकता है। टीम गॉडलाइक यहां पे सोल के ऊपर एंट्री तो उनको देखने को मिल रही है। नियो डायरेक्ट पहुंच चुके हैं जहां पे गॉब्लिन ऑलरेडी अपने वेपन लेके वहां पे रेडी है, लेकिन गॉब्लिन यहां पे एक अच्छा डिसीजन लेगा, लेकिन ये फाइट कॉल बैक नहीं होगी। फाइट यहाँ पे चलने वाले क्योंकि डायरेक्ट ट्राई आउट ऊपर कूद जाएंगे, लेकिन एक और फिर इनके ऊपर कूदेंगे बट गॉब्लिन नॉक हो जाएंगे। ट्राई आउट कैच भी बहुत ज्यादा कम थी, हील अप कर लेंगे अपने आप को, लेकिन गॉब्लिन जो नॉक हुए उनका रिवाइव होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे तो कैसे ओमेगा डायरेक्ट एंट्री तो उनको नजर आएंगे, बग्गीले के डायरेक्ट स्लैमिंग कर दिया जा चुका है। देखते हैं क्या फिनिश यहां पे सिक्योर होगा, क्या होने वाला। जीगो और इस टाइम पे रेड पिक करते नजर आएंगे, लेकिन ओमेगा जिस चीज की बात की थी ट्राई आउट को भी नॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ओमेगा भी स्पॉट हो जाएंगे, स्प्रे उनके ऊपर भी जाएगा, मुश्किल। सबसे बड़ी बात रही कि डिसीजन वहां पे बेहतर लिया गया था, ये दो खिलाड़ी आ गए हमारे सामने तो क्यों ना यहाँ से जंप कर दिया जाए, बट उसके बाद जो जंप किए तो ट्राई आउट अपने आप के सामने अपने आप को पाते हैं। न्यू की बात करें कोई मौका नहीं देंगे, अपोनेंट को डाउन किया गया यहाँ पे। ओमेगा कप्तान यहाँ पे बात करें अपने घुटनों पे आ चुके हैं। पीछे से बात की जाए तो यहाँ पे बैकअप हेक्टर का आएगा, लेकिन अब जो खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे टीम सोल के लिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पिन आउट किया गया, हेक्टर उनके सामने रहेंगे, लेकिन जो टाइम की बात की जाए वो टाइम बाय करना चाह रहे हैं। रिवाइवल मुझे लगता नहीं यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। ग्रेनेड एक और पिन आउट यहाँ पे किया गया, ये हेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज भी शायद दे दे, बट चलिए ये पहला ग्रेनेड उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पता है कि अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अक्षत की तरफ से वो कवर फायर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, बट न्यू की तरफ से ये ग्रेनेड हेक्टर को फिलहाल यहाँ पे डाउन कर देंगे। इकलौता खिलाड़ी अक्षत पीछे यहाँ पे बात करें जो रुके हुए थे नहीं आ पाया था वहां पे, लेकिन टीम सोल भी उसी मुश्किल में जाते हैं उनको देखने को क्योंकि हेक्टर को भी अब कवर नहीं मिलेगा। अक्षत स्लैमिंग करने के लिए डायरेक्ट अपनी बग्गी लेके थोड़ी स्लैमिंग नहीं कर रहे, उसी बग्गी यहाँ पे घुमा रहे हैं उनके सामने दोनों प्लेयर्स घुमा लेके अक्षत लेके हमें कुछ शॉट्स लैंड जरूर किए हैं। जीरो गैस भी बहुत कम कर दी जा चुकी है, क्या क्लच मास्टर फिर से क्लच करके साबित कर पाएंगे। एक प्रीनेड फायदा इस प्रीनेड का बहुत ज्यादा हो सकता है।
चलिए अब यहाँ पे जो बारी आ चुकी है ग्रेनेड का, जो कहानी यहाँ पे लिखना चाह रहे थे वो तो लिख बैठे कि थ्रो करेंगे प्री ग्रेनेड जैसा आपने बताया, वो ट्राई किया जरा, बट कनेक्शन ही शॉट्स कहाँ से आ रहे हैं थोड़ा समझा मुश्किल है। ग्रेनेड करना कहीं और चाह रहे थे, हो कहीं और गया, बट जो भी रिजल्ट चाह रहे थे चलिए उसका बचने में यहाँ पे कामयाबी। बट अक्षत की बात करें ड्रॉप शॉट काफी कमाल का, सीगर को अपने लॉक करने में कामयाबी प्राप्त होगी। अक्षत को हेल्थ रिकवर करना चाह रहे, टाइम बात की जाते चाहते लेकिन आप फोर इन टाइम नहीं देंगे, अगेन ड्रॉप शॉट जाएगा, करेक्शन कुछ खासा नहीं लेकिन पीछे हट गए वहां पे, लेकिन घूम के पीछे से घूम के चौड़े तना थे टीम सोल को इस मैच से 15 रुपए। अरे इस पावर चूत मार के, अबे क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है किधर है क्या मेरे पे यूएस वाला चिप अबे तो लेफ्ट से जाओ ना चूतियो आजा नहीं हो नहीं है कोई पत्थर के पीछे वो है नेड़कर पत्थर के पीछे गाड़ी में उठेगा तो मार दूंगा ये राइट में भी एक क्लच गॉट आई गेस बोले दो गोली पड़ी नाइस मेरे पे एक बंदा ओपन में आ रहा है गाइस कवर दो कवर में कवर के नीचे देख के मेरे किधर 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 आ रहा मेरे गाड़ी के अरे वन किसी ने नॉक किया था स्काउट को